विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना। तो क्या यह विश्वास है? आप प्रार्थना करें उत्तर आ जाए, यह विश्वास नहीं। विश्वास यह है कि प्रार्थना करने पर उत्तर ना आए तो भी आप उस विश्वास में खड़े रहें, यह विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं को देखना, यह विश्वास है। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं पर उसकी बाट जोहते रहना और अपने आप को पाप से अलग रखना, यह विश्वास है। इसमें लिखा कि अगर तुम यीशु मसीह की पहचान के द्वारा नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, कि तुम मसीह में आए, तुम पाप से बचे, तुम्हें मालूम हुआ व्यभिचार पाप है तुमने छोड़ दिया, तुम्हें मालूम हुआ दारू पीना पाप है तुमने छोड़ दिया, चोरी करना पाप है तुमने छोड़ दिया, कत्ल करना पाप है तुमने छोड़ दिया, गलत संगति तुमने छोड़ दी, कहता अगर सब कुछ तुमने छोड़ दिया और कहता फिर दोबारा उसमें फंस गए और हार गए, कहता फिर तुम्हारी दशा, तुम्हारी हालत जो है वो पहले से भी बदतर होगी। कहता जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी अपने फिर से कीचड़ की ओर लौटने को चली जाती है। आपको समझना है, एक प्लान है जो खुदा ने हर एक उस विश्वासी के लिए रखा हुआ है जो उसके नाम की बाट जोहते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। वो प्लान हर बंदे के लिए, एक भी ऐसा नहीं जिसके लिए परमेश्वर की योजना नहीं। परमेश्वर ने कहा जब तुम उस योजना के अंदर एंटर करोगे तो तुम अशुद्धता से जब बच निकले, जब परमेश्वर ने तुम्हें साफ कर दिया, पाक कर दिया, तुम्हें क्लीन कर दिया, उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है तुम्हें साफ करने का, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम्हें लॉन्च करना चाहता है, वो कुछ तुम्हारी लाइफ में बड़ा करना चाहता है। लेकिन कहता अगर उसी अशुद्धता में तुम फंस कर हार गए तो कहता तुम्हारी हालत पहले से भी क्या हो गई? बदतर हो गई। कहता इससे अच्छा यह था कि धर्म के मार्ग को तुम जानते ही नहीं, बावजूद इसके कि तुमने जाना धर्म के मार्ग को और उसके बाद फिर पुरानी लाइफ में चले गए। और यह शैतान की योजना है। उसे मालूम है आप प्रभु में आ चुके हो, तौबा कर चुके हो, पाप छोड़ चुके हो, अब उसको पता है कि खुदा ने कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में बड़ा कर देना है अगर मैं इसको वापस ना लेके जाऊंगा तो। याद रखो, शैतान को एक लिंक चाहिए जिससे वो आपके साथ जुड़ सके। आपका गुस्सा उसे जोड़ सकता है, नफरत उसे जोड़ सकती है, प्रार्थना रहित जीवन उसे जोड़ सकते हैं, व्यभिचार उसे जोड़ सकता है। फिर आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर, क्योंकि आपने शैतान को अपने साथ क्या किया? खुद जोड़ा है, आपने खुद लिंक किया उसके साथ, अपनी तार को खुद जोड़ा है, आपने लीड खुद लगाई है उसके साथ। अब आप ये नहीं कह सकते कि पिक्चर ना आए, आपने लीड लगा दी, पिक्चर आएगी। अब या तो खुदा के साथ लीड लगाओगे तो खुदा वाली पिक्चर आएगी, शैतान के साथ लगाओगे तो शैतान आपको अपनी पिक्चर देगा और उसकी पिक्चर बीमारी है, डिस्ट्रक्शन है, नाश है, गड़बड़ी है परिवारों में, ये उसकी पिक्चर है। और क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा अगर तुम बच गए, तुम साफ हो गए, पाक हो गए, पवित्र आत्मा पा लिया, कहता अब इसमें बने रहो। यही मतलब है बॉर्न अगेन का, यही मतलब है नया जन्म पाए हुए विश्वासी का, कि वो संसार की ओर नहीं देख सकता, संसार की तरह नहीं चल सकता। उसे अपने शरीर पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, अपने हाथों पर कंट्रोल करना है, अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल करना है, ताकि जो प्लान परमेश्वर का मेरी लाइफ में है वो पूरा हो सके। क्योंकि शैतान को मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक यह बंदा खुद अपनी तार मेरे साथ नहीं जोड़ेगा। इसीलिए वो कोशिश करता है जहां से आप निकले हो आपको वहीं वापस लेके जाने की, जिस श्राप से आप निकले हो वहीं वापस लेके जाने की, जिस जगह से आप निकले हो वहीं वापस लेके जाने की, क्योंकि उसको मालूम है उसी जगह पर मैं इसका नाश कर सकता हूं, इस जगह पर नहीं कर सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी उसकी हजूरी में, उस विश्वासी होने के स्थान में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना, यानी डिफेंस, यानी सुरक्षा पाएगा। हालेलुया। और ये चेन है शैतान की, जो जिसके साथ वो आपको अपने साथ जोड़ता है वो। और जब आप जुड़ गए उसके साथ, आपका परमेश्वर के साथ लिंक टूटा, वो अपनी सप्लाई आपको देना शुरू करेगा। फिर आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद उसको अपने साथ क्या किया? जोड़ा है। क्योंकि परमेश्वर की प्लान, उसका उसके उसकी योजना बड़ी है आपकी लाइफ में, जो बहुत से लोग मेस कर देते हैं। याद रखो,
जिस आशीष को आपने प्रार्थना के द्वारा पाया, आपने हजूरी में पाया, आपने अधीनगी में पाया, उसको बनाए रखने के लिए वही चीजें जरूरी होंगी। जिस आशीष को आपने उसकी हजूरी में पाया, वो हजूरी में ही बनी रह सकती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आन पड़े। अब 38 साल का रोगी जो 38 साल से एक ही पोजीशन में पड़ा है, परिवार टूट चुका है, रिश्ते नाते टूट चुके, दोस्त छोड़ चुके, इससे भारी मुसीबत और क्या हो सकती, मौत ही हो सकती इससे भारी तो। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इससे भी भारी मुसीबत है जो तुझ पे पड़ सकती है अगर तू अपनी पुरानी जिंदगी में वापिस गया तो। परमेश्वर ने कहा जब दुष्ट आत्मा चली जाती और वो वापिस चक्कर लगाने आती, क्योंकि वो ढीठ है, उसे लगता है नहीं ये मेरा घर है, मुझे यहां से निकाल दिया, और कहता है अगर तुम्हें वही सूना पाती है, झाड़ा बुहारा पाती, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की हुजूरी को नहीं पाती, तो लिखा सात बुरी आत्मा को साथ लेके आती। हमें यह समझना है हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हैं जहां से हम पीछे नहीं जा सकते, जहां से सिर्फ हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे परमेश्वर की हजूरी है, आगे परमेश्वर की ब्लेसिंग है, आगे अनॉइंटिंग है, आगे टेस्टमनी है, और आपको आगे बढ़ना है यीशु मसीह के नाम में। लाख तकलीफ आए, आपको प्रोसिक्यूशन आए, जीत आपकी होगी 101%। और जब आप जुड़ गए उसके साथ, आपका परमेश्वर के साथ लिंक टूटा, वो अपनी सप्लाई आपको देना शुरू करेगा। फिर आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि आपने खुद उसको अपने साथ क्या किया, जोड़ा है। क्योंकि परमेश्वर की प्लान, उसका उसके उसकी योजना बड़ी है आपकी लाइफ में। जो बहुत से लोग मेस कर देते हैं, याद रखो जिस आशीष को आपने प्रार्थना के द्वारा पाया, आपने हजूरी में पाया, आपने अधीनगी में पाया, उसको बनाए रखने के लिए वही चीजें जरूरी होंगी। जिस आशीष को आपने उसकी हजूरी में पाया, वो हजूरी में ही बनी रह सकती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आन पड़े। अब 38 साल का रोगी जो 38 साल से एक ही पोजीशन में पड़ा है, परिवार टूट चुका है, रिश्ते नाते टूट चुके, दोस्त छोड़ चुके, इससे भारी मुसीबत और क्या हो सकती, मौत ही हो सकती इससे भारी तो। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, इससे भी भारी मुसीबत है जो तुझ पे पड़ सकती है अगर तू अपनी पुरानी जिंदगी में